हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास है अभी पोको M4 प्रो स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है मेरे पास आज ही आया था, और इसे मैंने मंगाया था 12,000 रुपये की प्राइस में, जिसके अंदर मुझे ये मिल गया था 12,000 रुपये में, 6 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ। तो ये जो स्मार्टफोन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसकी प्राइस के हिसाब से, जो अभी इसकी प्राइस चल रही है। इसकी प्राइस वैसे ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तब इसकी प्राइस थी 12,000 रुपये। और जैसा कि मैं आपको एक बार बता भी दूं कि इसकी जो MRP है यहाँ पर प्रिंट की हुई है 18,000 रुपये, और आप खुद देख सकते हो कि 6 GB और 64 GB वाला इसमें आपको वारंटी देखने को मिल जाएगा। और इसकी बात करें कुछ मेन मेन जो हाईलाइट है वो आपको इस डब्बे को नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि इसमें आपको सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा 90 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, वो भी Full HD+, और 64 MP का रियर कैमरा और 16 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, और फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी 33 वाट की। बाकी की चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इस तरह का कुछ ये डब्बा आता है, इसके साथ आपको ये जो है चार्जर मिल जाता है 33 वाट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह की केबल मिल जाएगी, छोटी सी केबल, और प्लस इसके साथ आपको मिल जाएगा एक ये सेफ्टी कवर, ट्रांसपेरेंट कवर है, काफ़ी अच्छा है, काम आ जाता है, आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके कवर के लिए। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन आपको पीछे से इस तरह से दिखाई देता है। ये जो स्मार्टफोन है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो, ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, क्योंकि ब्लैक कलर उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो रखा था। वैसे ये 3 कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है काफ़ी बड़ा बना रखा है। और पीछे की तरफ मैं बता दूँ, जैसे कि इसमें 64 MP का मेन कैमरा और 8 MP का वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। और आगे की तरफ सेल्फी कैमरा मिल जाएगा 16 MP का, जो कि पंच होल के साथ आता है। और आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक स्पीकर देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, आयर ब्लास्टर और एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो आपको USB Type-C वाला चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और एक प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है, और सिंगल स्पीकर यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। और साइड में आपको पावर बटन, वो भी फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ देखने को मिल जाएगा, और वॉल्यूम बटन भी इसी साइड में दे रखे हैं। और अगर सामने की तरफ बात करें तो आपको 6.43 इंच का Full HD+ अमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा 90 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, और जिसके साथ आपको एक ये सेल्फी कैमरा पंच होल के साथ देखने को मिल जाता है। और इस तरह से कुछ सामने की तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा जो चिन्ह कह सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी साइड में जो चिन्ह है वो तीनों बराबर है। तो इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी वेट में हल्का भी है इसकी 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी। और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी कि आपको एक हाथ से यूज़ करने में दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी मतलब मैनेज कर रखा है अच्छे से, वेट की बात करें या फिर इसके साइज़ की बात करें तो। और इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इसमें एक साथ 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड भी अलग से लगा सकते हैं। और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर लिक्विड कूलिंग के सपोर्ट के साथ। और इसमें आपको जो स्टोरेज मिलेगा वो मिलेगा UFS 2.2 का। इसके अंदर आपको 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ एक बैटरी मिल जाती है, जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। और इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और प्लस इसमें आपको MIUI 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर एंड्रॉयड 12 होता तो और भी अच्छा हो जाता, हो सकता है बाद में इसमें आपको नया अपग्रेड देखने को मिल जाए एंड्रॉयड 12 के साथ, तो वो इंतज़ार करना है। इसमें आपको एक IP रेटिंग भी दी गई है, जिसकी वजह से आपका जो स्मार्टफोन है छोटी मोटी पानी की बूंदों से बच जाएगा। प्लस सामने की तरफ आपको मिल जाता है Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन, और पीछे आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्लास का सपोर्ट नहीं दिया गया है, एक नॉर्मल सा प्लास्टिक है, जो कि अच्छा क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैट फिनिशिंग के साथ ये जो है बैग दिया गया है। अब देखना ये है कि ये जो स्मार्टफोन है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और इसका जो कैमरा कितना अच्छा आउटपुट दे पाता है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये इसका जो रियर कैमरा है या जो मेन कैमरा है, वो सिर्फ Full HD रिकॉर्डिंग को ही सपोर्ट करता है, 4K रिकॉर्डिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और सामने की तरफ भी Full HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।